देखिए आज जो हम तो आज देखिए हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम आपके साथ एक्सेल की सेकंड क्लास में आज एक्सेल का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। कल हमने लास्ट क्लास में आपके साथ एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल की शॉर्टकट और एक्सेल की लिमिटेशंस को सीखा था। आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं मूव, और हम आज आपके साथ उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सेल का डिस्प्ले टॉपिक कहलाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक्सेल के अंदर डिसाइड करेंगे कि एक्सेल दिखना कैसा चाहिए, एक्सेल का वे कैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं ही एक फ़ोन खरीद के लाऊंगा तो मैं रिंगटोन उसको अपने हिसाब से लगाऊंगा, उसका वॉलपेपर मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा। करते हैं ना ये सब हम लोग, ऐसे ही अगर आप लोग भी करना चाहते हैं अपना वॉलपेपर एक्सेल में सेट या एक्सेल को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, तो आप कर सकते हैं। तो हम आज की क्लास में आपके साथ एक्सेल ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? एक्सेल ऑप्शन। सर ये ऑप्शन तो एक्सेल कंप्लीट होने के बाद कराने चाहिए थे, लेकिन ये टॉपिक तो आज आप करा रहे हो। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में क्या मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। क्या मिल जाए बाद में? उसका आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे। अगर देखो जब यहाँ पर हम एक्सेल ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आया जर्नल। जर्नल में आता है शो मेन्यू टूल, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। होता क्या है, तुमने यहाँ कोई वर्ड लिखा, यहाँ पर हमने लिखा रोहित, और हमने जब इसको सिलेक्ट करते हैं ना, इसको F2 से एक्टिवेट करते हैं, F2 से एक्टिवेट हो गया, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर छोटी मिनी टूल बार आ जाती है जिसमें आप इसे बोल्ड कर सकते हो, जिसमें आप इसे इटैलिक कर सकते हो, और जिसमें आप इसे क्या कर सकते हो, कलर। लेकिन कई बार ये टॉपिक क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है और ये टॉपिक फिर आ नहीं पाता। तो फिर हमें क्या करना है इस टॉपिक को इनेबल करने के लिए? फाइल, फाइल के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर शो मिनी टूल बार को यस करो। उसके बाद आता है शो क्विक एनालाइज ऑप्शन ऑन सिलेक्शन बार। पता है अगर तुम्हें किसी ऑप्शन के बारे में नहीं पता और तुम उस ऑप्शन के बारे में सीखना चाहते हो तो बस अपना माउस कर्सर वहाँ लेकर चले जाओ, ये एक्सेल की क्विक एक्सेस टूल बार खुल जाएगी जिसमें एक्सेल के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। क्या बताई जाती है? हर चीज़ बताई जाती है, जैसे बोलते हैं सो क्विक एनालाइज ऑप्शन ऑन सिलेक्शन। ये वो टॉपिक नहीं था वो जो बता दो, ये नीचे जो आता है या तो ना क्विक एनालाइज ऑप्शन, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो तुम इसको डाटा बार में कन्वर्ट कर सकते हो, कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, आइकन में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन लगा सकते हो, टॉप 10 सर्च कर सकते हो, वैसे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ आ गया क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद आता है शो लाइव प्रीव्यू। जैसे अगर तुम्हें कोई कलर अप्लाई करना है लेकिन तुम उसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लाइव प्रीव्यू। तो एक्सेल का बस माउस लेकर जाओ तभी ये कलर अप्लाई होने लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शो लाइव। लेकिन कई बार इस टॉपिक को हम लोग क्या कर देते हैं? बंद। कहाँ से? अनेबल लाइव प्रीव्यू। तो ये कभी भी अनेबल नहीं होता, जब तक तुम इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक्सेल का ऑप्शन इसमें क्या बोलते हैं? अनेबल लाइव प्रीव्यू। क्या बोलते हैं इसे? अनेबल लाइव प्रीव्यू। इसके आता है स्क्रीन टिप स्टाइल। पता ही क्या होता है,
जैसे कई बार इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, लेकिन तुम्हें आइडिया है होती क्या है, लेकिन तुम्हें इसका वे नहीं पता चल रहा, तुम चाहते हो उसके बारे में पता करना। तो जब भी तुम उसका माउस का कर्सर लेके जाओगे तो क्या खुल जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कंडीशनल टूल बार का यूज़ कर दें किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू वाला आपकी नॉलेज चेक करने के लिए इस टॉपिक को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। क्या कर देता है, फाइल में जाने के बाद, ऑप्शन में जाने के बाद, और यहाँ से क्या कर देता है, डू नॉट शो स्क्रीन टिप्स, और जैसे ही करोगे तो यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं। क्यों करता है, क्योंकि मैं तुम्हारी रियल नॉलेज देखना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम ऐसे ऐसे कर करके पढ़ रहे हो, तो क्या तुम नॉलेज वाले बंदे हो, क्या तुम्हें अवेयर है, तो हमने उसमें क्या बोल देंगे तुम्हें, हम आता हूँ यहाँ पर चलो, तो आप इसे क्या कर दोगे, डू नॉट शो। आप कहते हो डू नॉट शो फीचर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रीन टिप्स, इसका मतलब होता है उसकी फ्यूचर ना बताए, लेकिन उसको क्या बता दे, नाम बता दे, क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग, ये क्या है, मर्जन। अब उसके फीचर नहीं बता रहा कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन क्या बता रहा है, खाली उसका नाम बता रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि लोग आपकी रियल नॉलेज देखें या आपका तुक्का देखें। तो आप भी, अगर आप भी मालिक होगे तो आप भी यही चाहते होगे, अगर आप लोग भी मालिक होगे तो आप लोग यही चाहते होगे कि मैं अपनी क्या दिखाऊं, रियल नॉलेज, क्या दिखाऊं, मैं अपनी रियल नॉलेज, किसी को फेक नॉलेज ना दिखाऊं। तो बस ये क्लियर, तो आप हमेशा ये कर सकते हो। उसके बाद आता है व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, जब मैं कंपनी कभी भी एक्सेल को बंद करके ऑन करता हूँ तो आप देखना हमेशा मेरे एक्सेल पे एक ही शीट ओपन होती है, कितनी शीट होती है, एक। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं एक्सेल को ऑन करूँ तो 10 शीट एक साथ ओपन हो, मतलब कितनी शीट बने, 10 शीट। तो फाइल में जाना, ऑप्शन में जाना, और यहाँ क्या बोल देना, इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, यहाँ क्लिक कर दो, कितनी कर दो, 10। और जैसे ही तुम इसे बंद करोगे और अगली बार एक्सेल को ऑन करोगे तो आप देखना कितनी शीट आ जाएंगी, 10 शीट, कितनी आ जाएंगी, 10 शीट, कितनी आ जाएंगी, 10 शीट। शीट वैसे तो मैक्सिमम तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी ऑन कर सकते, हाँ आप चाहो तो यहाँ पर वो बढ़ा लो, वैसे 255 लास्ट होती है, आप इसे बढ़ा लो। और ओके कर दो, और जब अगली बार तुम एक्सेल को ऑन करोगे तो एक बार में कितनी शीट ऑन होगी, 255। देखो एक्सेल थोड़ा सा, और देखो यहाँ पर कितना बढ़ा पाओगे आगे, क्लियर है, आ जाओ एक्सेल ऑप्शन, और यहाँ कितना रखना, मिनिमम 3 रख लिया ना, ज़्यादा मत रखना, कितना रखना, 3, क्लियर है। अब इसके आता है कि जब आप एक्सेल ऑन करो तो आपका बोल्ड कौन सा हो, आपका स्टाइल कौन सा हो कलर का, तो आप यहाँ पर अपना कलर स्टाइल डाल सकते हो कि मेरा एक्सेल कौन से कलर का हो, इटैलिक हो, एरियल हो, कोई सा भी कलर आपको पसंद है तो आप एरियल कर दो, क्लियर। फ़ॉन्ट का साइज़ कितना हो, मैंने कहा फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, हमेशा 12 होना चाहिए। और जब मैं स्क्रीन ऑन करूँ तो कौन से पेज पर स्क्रीन हो, नॉर्मल व्यू में, और जैसे ही करोगे उसको सेव करोगे तो आप देखना सेव करने के बाद इस शीट को अगेन जब आप ऑन करोगे दोबारा एक्सेल को, तो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना हो जाएगा, 12। फ़ॉन्ट का नेम क्या आ गया, एरियल, और कौन सी स्क्रीन आ गई, नॉर्मल विंडो, क्लियर, क्या आ गई आपकी, नॉर्मल विंडो। इसके बाद जब एक्सेल ऑप्शन में आओगे नेक्स्ट, तो आपको यहाँ मिलता है यूज़र नेम। अब तुमने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जो बहुत एडवांस थी, बहुत अच्छी थी, तुम मेरे एम्प्लॉई हो या तुम मेरे अंडर जॉब करते हो, मैं आपका मैनेजर हूँ, लेकिन तुमने मुझे रिपोर्ट बना के दी और मैंने सामने बोल दिया सर ये रिपोर्ट मैंने बनाई है, आपकी मेहनत मैंने अपना क्रेडिट ले लिया, आपने दिन रात देख करे लेकिन रिपोर्ट का फ़ायदा मैंने लिया, लेकिन तुम चाहते हो कि सर मैं सामने वाले को बता सकूँ ये रिपोर्ट मेरी है, किसी और की रिपोर्ट नहीं है, तो बताओ क्या करें।
हम क्या करें, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी तुम एक्सेल की कोई फाइल सेव करते होगे, तो फाइल सेव करने के बाद जब तुम उसे एक्सेल पर क्लिक करते होगे, यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ देखना, क्या देखना है, यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो आता है टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऑथर कौन है इसके अंदर, वेलकम, मतलब जो हमारे पीसी का नाम होता है वो वहाँ शो हो जाता है। हमारे पीसी का नाम क्या है, वेलकम पीसी, तो वहाँ पर क्या आ गया, वेलकम। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं शीट बनाऊँ उस पर मेरा नाम आए, ऑथर नेम में किसका नाम है, मेरा, जो शीट को बनाते हैं उसका नाम आता है। यस सर, तो मैं भी चाहता हूँ ये, तो मैंने क्या करा, मैंने अब एक्सेल एक शीट को ऑन करा और मैंने अब अपना ऑथर नेम डाल दिया कि जब भी मैं अपनी एक्सेल शीट को ऑन करूँ तो उसमें ऑथर नेम क्या आ जाए, शाहरुख, और मैंने क्या कर दिया, सेव, और मैंने क्या कर दिया इसको दोबारा से सेव एस करके क्या कर दिया मैंने सेव, उसे क्या नाम दे दिया, बुक टू, और मैंने इसे क्लोज करा। और देखो जब मैं इस पर माउस कर्सर लेकर जाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो ऑथर नेम में भी क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है, क्या आ रहा है, वेलकम। लेकिन अब मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा, एक बार शायद सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो मेरा ऑथर नेम में क्या आ जाएगा, शाहरुख, क्या आ जाएगा मेरा ऑथर नेम में, शाहरुख। दूसरा, हम एक्सेल की प्रॉपर्टी में जाकर भी यहाँ डिटेल में बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं, जैसे इस फाइल का टाइटल क्या है, ये फाइल किस पर्पस के लिए बनी, तो मैंने कहा ये फाइल बनी है एडवांस, ठीक है, कोर्स के लिए। हाँ, ऑथर नेम तो वही है, क्या बोले आपने, मैंने इसका नाम नहीं चेंज नहीं किया था, ऑथर नेम, ऑथर नेम वैसे करा है, खाली ये दिखला रहा है कि इसमें आखिरी में सेव किसने किया है। चलो देखते हैं, इतना समझ आ गया आपको। अब देखो मैंने इसकी डिटेल में क्या डाल दिया, टाइटल में शाहरुख एडवांस कोर्स डाल दिया, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक्सेल ऑप्शन, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक्सेल ऑप्शन है। टैग, टैग जानते हो क्या होते हैं, जैसे जब तुम गूगल पर कोई वीडियो सर्च करते हो न्यू मूवी तो बहुत सारे गाने भी आ जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे जब भी मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपने नोटिस करा होगा वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उसके क्या डालता हूँ, टाइटल डालता हूँ, क्या डालता हूँ उसके, टाइटल, क्यों, क्योंकि अगर कोई बंदा मेरी वीडियो को सर्च करे तो एक्सेल के नाम से ना सर्च करे, वो कोई भी नाम डाले वीडियो आ जाए, तो मैंने अपने टैग में क्या डाल दिया, न्यू सॉन्ग, GST, फनी वीडियो, क्या डाल दिए टैग, अगर कोई फनी वीडियो लिखेगा तो मेरी एक्सेल मेरी वीडियो आ जाएंगे। तो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जिससे नाम को सर्च किया जाता है। इस फाइल का नाम क्या है, बुक टू, लेकिन मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं सर्च करना चाहता हूँ न्यू सॉन्ग, न्यू मूवी, इन नाम से ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, और एक्सेल और बीजी और टैली, तो मुझे जो भी नाम से चाहिए वो मैं नाम डाल दूंगा, और मैंने इसे क्या कर दिया, अप्लाई और सेव। अगर कल मुझे ये शीट ढूंढनी पड़ेगी तो मैं न्यू सर्च में जाके बोल सकता हूँ न्यू सॉन्ग, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाओ, यहाँ न्यू सॉन्ग, देखो फाइल आ गई बुक टू, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया एक्सेल, तो कौन सी फाइल आ गई, टू, क्योंकि इसका टैग क्या था, एक्सेल ऑप्शन। तो कई बार हम अपने काम को सेव करने के लिए इसका करते हैं यूज। आजम देखना क्या कह रही है, क्लियर, अब आ जाओ स्टार्ट पर, दोबारा स्टार्ट के बाद अब हमारा जनरल टैब में नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्शन, कमाल आजम देखना हो गया उसकी प्रॉब्लम, अब यहाँ आ जाओ नीचे एक आता है कलर, कलर में अगर इसे डार्क कर दोगे तो आपका एक्सेल डार्क हो जाएगा, अगर फाइल में जाके आप इसे कौन सा कलर कर दोगे, वाइट, तो कौन सा हो जाएगा, लेकिन हमारा कलर कौन सा अच्छा रहता है, कलर हमारा अच्छा रहेगा कलरफुल,
ठीक है, तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो कलर ले लेना। तो एक्सेल ऑप्शन क्लियर हो गया। इसके बाद सर बाकी ऑप्शन आपको नहीं करने, जो मैं बता रहा हूँ वही ऑप्शन करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करना, वरना हो सकता है आप अपने एक्सेल सेटअप को ख़राब कर सको। इसके बाद फार्मूलाज में नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक। पता ही ऑटोमेटिक क्या होता है, तुम यहाँ 20+20 करते हो तो ऑटोमेटिक कितना हो जाता है 40। अब तुम यहाँ 80 करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 80+20 कितना हो गया 100। यहाँ 120 करोगे कितना हो जाएगा 140, और यहाँ 110 करो तो कितना हो जाएगा 130। हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक अपडेट ना, तो फार्मूलाज में जाके क्या कर देंगे मैनुअल। सर मैनुअल क्यों करते हैं, मान लो मेरी एक्सेल की शीट बहुत बड़ी है, उसमें एक में चेंज करता हूँ तो सब में चेंज होता है, लेकिन चेंज होने में एक एक चेंज को 15-15 मिनट लग जाते हैं। जब तुम्हारी फाइल का साथ 500 होगा, 600 होगा, तो साइज बहुत हैवी हो जाएगा और फाइल रुक के चलेगी। किसको चलेगी, वो रुक के चलेगी। तुम एक सेव करोगे 15 मिनट तक का समय लेगा, तुम क्लोज करोगे 15 मिनट समय लगता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम कोई चेंज करें तो उस समय ना हो जब मैं चाहता हूँ, जब मैं लंच करने बैठूँ, वॉशरूम जाऊँ या कोई दूसरे काम करूँ, तो वो क्या हो जाए अपडेट। तो मैं उसे किस मोड में डाल देता हूँ, मैनुअल मोड में। किस मोड में डाल देता हूँ, मैनुअल मोड में। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद आता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। क्या आता है R1, आज तक तुमने देखा होगा ये कॉलम होते हैं, ये रो होते हैं, लेकिन मैं इसकी ABCD को चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं वहाँ भी चाहता हूँ क्या आ जाए 1, तो मैं किस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये क्या हो गया 1, और पता है अब यहाँ R9 और C3 आ गया। C मतलब कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर कितना है 9। तो आप जहाँ क्लिक करो, कॉलम नंबर 8, रो नंबर 12, कॉलम नंबर 8, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1। क्लियर है? तो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप हमेशा उसे किस बोर्ड में रखना, वो ABC वाले में रखना। इसके बाद होता है नीचे फार्मूला ऑटो कंप्लीट। आगे चल के जब मैं तुम्हें कोई फार्मूला सिखाऊंगा तो बस जैसे मुझे ऊपर चीज़ों को सम करना है, क्या करना है, इनको सम करना है, तो अब मुझे ब्रैकेट बंद करने की आवश्यकता नहीं, मुझे इंटर मारूंगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऑटो कंप्लीट। तो ये अच्छा ऑप्शन है, अनेबल रहन देना, ऐसे क्या कर देना, अनेबल रहन देना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। अगर तुमने किसी नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल कोटेशन मार्क में डाल दिया तो पता ये नंबर नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये टेक्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये टेक्स्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ फुलन जी बोलो। आप ऐप का नाम भेजो, क्या है भेजो। ठीक, क्या हुआ, क्या देखो, एक लड़की, अच्छा मुझे पता है, इधर समझ आ गया आपको कि अगर मैं किसी नंबर को किसमें डाल दूंगा, सिंगल कोटेशन मार्क में डाल दूंगा तो किसमें दिखाएगा, एरर में। पता है ये ग्रीन कलर का आइकन हमें क्या बताता है, कि नंबर नहीं, क्या बन गया, एक टेक्स। अगर तुम किसी नंबर के साथ कोई अल्फा जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, टेक्स, नंबर नहीं रहता। तुमने कभी देखा है A1, अगर A1 है और मैं कहूँ इसे A2 के साथ जोड़ दो, क्या ये जोड़ के A3 बन जाएगा, क्योंकि नंबर नंबर जोड़ता है, अल्फा नंबर नहीं जोड़ता। तो ये कह रहा है सर नंबर है, ये क्या है, नंबर नहीं, क्या बन गया, ये टेक्स्ट बन गया। क्या बन गया, टेक्स्ट। तो ये हमें क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर
और तुम इसे चाहो तो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टू नंबर। तो इसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर, हाँ कॉमा। क्लियर आ गया, हाँ टेक्स्ट का साइन था, उसे इसे सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अब कई बार हम चाहते हैं कि हमारी शीट में हर जगह ऐसे कोटेशन मार्क हैं, लेकिन वो दिखे ना, वो क्या ना हो, दिखे ना, मतलब दिखते हैं तो लोग इरिटेट होते हैं, क्या होते हैं वो, इरिटेट होते हैं। तो आप कहते हो आप हटिया है, तो आप ऑप्शन में जाके क्या कर दोगे, फार्मूलाज में से किससे हटा दोगे, अनचेक कर दोगे, जैसे तुम हटाओगे यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन जब ये शीट तुम किसी और को भेजोगे तो वहाँ शो होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ टॉपिक ये अनेबल होगा और हमारे यहाँ क्या था, ये डिसेबल। तो बस ये फर्क है, रिपोर्ट में कोई नहीं, बस देखने में इरिटेशन होगी, अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ ऐसे कोड आगे कॉमे में आएगा, उसे नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन अब किसी को पता है किसी को नहीं पता, फिर क्या कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।